दोस्तों, अगर किसी पक्षी की चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के कोई भी पक्षी खाना नहीं खा सकता। लेकिन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो खुद ही अपनी चोंच को तोड़ता है। दोस्तों, ईगल जानता है कि बिना चोंच के वो खाना नहीं खा सकता, फिर भी वह अपनी चोंच को तोड़ता है। ऐसा वो क्यों करता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये अपनी चोंच से बड़े जीव को फाड़ सकता है। लेकिन जब एक ईगल की उम्र 30 से 40 साल की हो जाती है तो इसके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है। इसलिए ईगल ठीक से उड़ नहीं पाता और ना ही शिकार कर पाता है और ईगल के मरने की नौबत आ जाती है। तब ये किसी ऊंची सी चट्टान पर जाकर अपनी चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ता है। 3 से 4 महीने बाद इसकी नई चोंच उग आती है और ये इसी नई चोंच की मदद से अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है और 2 से 3 महीने के बाद इसके नए पंख आ जाते हैं। इसी कारण ये अपनी चोंच को तोड़ता है।